कहा है हम भाई, आप लोग को अगर ये पता करना है तो वीडियो को इधर से देखना पड़ेगा। सो वीडियो को करते हैं शुरू। 3, 2 and 1 गो। सो ओके गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बागडोरा। एक्चुअली हम थोड़ा एयरपोर्ट का थोड़ा ऐसा सामने ही है और आज हम लोग जा रहे हैं इधर से रोस्टोवर इको पार्क, जो कि बहुत ही फेमस एक इको पार्क है, बहुत ही खूबसूरत है। तो फाइनली आज मैं निकल चुका हूँ इको पार्क के लिए। तो मेरा शेरखान सिक्किम के आने के बाद कहीं राइड में नहीं गए, अभी हम आज निकल चुके हैं घोसपोकर इको पार्क एक्सप्लोर करने के लिए। मेरा माटीगरा से 25-26 किलोमीटर होगा। सो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MBS ब्लॉग में आप लोग का सबका स्वागत। तो उससे कैसे आप लोग खुशियाँ बढ़ते रहना, क्योंकि खुशियाँ बढ़ने से प्यार मिलता है। जितना भी मेरा वीडियो देख रहे हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते, मिलते हैं रोड पे। तो फाइनली आज निकल चुका हूँ एक छोटा सा राइड में। तो पता नहीं पार्क बंद है या खुला है, कोविड के बाद में ना सब पार्क बंद था, अभी फाइनली सब कुछ खोल गया है। तो कुछ दिन के बाद और एक लंबा ट्रिप होगा, एक दो दिन का, आप लोग को पता चल ही जाएगा। मैं अपडेट देते रहता हूँ इंस्टाग्राम में, तो अगर आप लोग अगर मेरा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है, जाके फॉलो कर सकते हो, बागडोरा फ्लाईओवर, जो कि बहुत ही अच्छा है। हम लोग अभी जाना पड़ेगा बाइक की तरफ, जो कि एयरपोर्ट रोड और सीधा चले जाते हैं ये रोड पानीडेंगी नेपाल, ये देख सकते हो पानीडेंगी घोसपोकर कलकत्ता, कलकत्ता वाला रोड भी यही है। तो मेरा लेफ्ट साइड चला जाता है बागडोरा एयरपोर्ट। हम लोग कब बातें करते करते घोसपोकर आ पहुंचा है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, सामने दिखाई दे रहा है शायद घोसपोकर लखनऊ 981 किलोमीटर। लखनऊ जाना है क्या? अभी तो नहीं जाना, जो कि इधर कुछ फ्लाईओवर बना था, एक बार आया था जब कंप्लीट नहीं हुआ, तो बहुत ही अच्छा फ्लाईओवर बना है इधर। तो हम लोग को इधर से जाना पड़ेगा शायद। तो ये देख सकते हो फ्लाईओवर बहुत ही अच्छा बनाया है, फुर्सत मिलेंगे तो जाएंगे एक बार फ्लाईओवर का ऊपर भी। ओहो, तो इधर ना किसी को पूछना पड़ेगा कि घोसपोकर इको पार्क कहाँ है। इधर एक कुछ पार्क है, इको पार्क। ओ शिट, इधर क्या है? इधर इधर बस्ती है ना, गांव है। ठीक है, मेरे को लगता है इको पार्क इधर ही है। सुनने में आया क्या आंटी, इधर कोई पार्क है क्या? इको पार्क सीधा। थैंक यू। सो इधर तो भैया तो बोल नहीं पाए, इधर मैंने बोर्ड बाद में देखा। तो दिस इज द ट्री गार्डन एरिया, व्हाट अ ब्यूटी मैन। सो एक्चुअली इस पार्क में आने के एक ही मकसद है मेरा, जो कि जितना मेरा व्यूअर्स है और जितना मेरा सब्सक्राइबर है, सबको ना पहाड़ पसंद नहीं है, इसलिए ये डेस्टिनेशन मैंने खोजा आप लोग को दिखाने के लिए। कुछ गांव का अंदर से हम जाते हुए सामने पहुंच चुके हैं एक मोर, जो कि मोर से कहाँ लेना है पता नहीं, शायद इधर चल के पूछ लेना पड़ेगा। भैया इधर इको पार्क कहाँ है? सीधा। थैंक यू। तो भैया ने बहुत खुश हो गया मेरे को देख के। सो इधर कुछ बोर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। अंकल इको पार्क। ओ शिट, अभी तो हो जाता गड़बड़। थैंक यू अंकल। तो आप लोग अगर बाइक लेके आते हो ना, ये वीडियो देखना यार, नहीं तो यार कंफ्यूज हो जाओगी। आ रहे मज़ा आ रहा है भाई इको पार्क। अंकल इधर इको पार्क इधर कितना दूर है?
इतना अंदर पार्क शायद ही किसी ने ये वाला रूट को एक्सप्लोर किया होगा, मैं तो नहीं देखा। अगर आप लोग देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा है तो मेरा वाला वीडियो देखो, क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाएगा इको पार्क है कहाँ। कुछ अजीब सा बना दिया भाई, अच्छा लग रहा है। इको पार्क का रोड इधर, थैंक यू। सो एक्चुअली आप लोग जब आते हो ना, ये वाला बूट को फॉलो जरूर कर लेना, देख सकते हो इको पार्क। बाइक लेके जा सकते हैं हम? पार्किंग कहाँ है? ऊपर। अभी मेरे को कंफ्यूज लग रहा था कहाँ कहाँ से आऊंगा, अंदर पूछ के आना पड़ा। जिधर बोट था उधर तो ठीक था, नहीं तो पूछ के आना पड़ा। पार्किंग में अगर ये टैंक बैग रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, हम पार्किंग करके कुछ सामान निकल के बैग के इधर रख के जाते हैं। ठीक है, थैंक यू अंकल बोलने के लिए। सो पहले गाड़ी को पार्किंग करना पड़ेगा मेरे को। सो ओके गाइस, फाइनली जो मेरा टैंक बैग है और जो मेरा हेलमेट है इधर ऑफिस में रख दिया है। अंकल बोला था कि पार्किंग में नहीं रखने के लिए, तो इसलिए हम लोग इधर रख चुके हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, धीरे धीरे घूमेंगे और पार्क को जितना हो सके एक्सप्लोर करेंगे। दुलाड़ी इको पार्क जो भी है, सब घुसपोकर इको पार्क से भी पहचानते हैं। पहले इधर से शुरू करते हैं। तो एक्चुअली फॉरेस्ट में आने का मकसद यही था। उस दिन से लगातार जो मेरा वीडियो आ रहे है ज़्यादातर पहाड़ों में है। मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा लोकेशन में जाते हैं, फैमिली लेके भी जा सकते हो। सिलीगुड़ी का थोड़ा पास का है, तो इसलिए मैंने ये डेस्टिनेशन खोजा। तो फाइनली आज आया घोसपोकर इको पार्क। तो ये तो शुरुआत है, सामने ट्री हाउस भी है, बहुत कुछ है इस पार्क में देखने के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं। मैं बहुत ही घना जंगल में आ चुका हूँ, देख सकते हो। तो एक्चुअली इधर आके जो सुकून मिल रहा है ना, क्या बताऊँ, तरह तरह का पक्षियाँ साउंड, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना दिन पहाड़ में घूम के ना कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ लोकेशन होता है जो कि उधर भी जाके सुकून मिलता है, कभी सोचा ही नहीं था यार। काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हो इको पार्क। तो इतना जंगल में मैं अकेला घूम रहा हूँ और आप लोग मेरे साथ हो। ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, आप लोग मेरा साथ हो। सो लुक एट दिस व्यू ब्रो, कुछ साउंड आ रहा है, साउंड कुछ पक्षी का, तो साउंड बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो हम लोग जाएंगे एक बार ऊपर। सो बहुत टाफ है ये थोड़ा। ओ भाई साहब, ऊपर का नजारा कुछ अलग है, देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। I don't wanna say anything, 'cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So okay guys, इधर बहुत टाइम स्पेंड कर चुके हैं हम, तो अभी इधर से निकल जाएंगे कैंटीन की तरफ और कुछ खाएंगे, चाय वाय पियेंगे। तो देख सकते हो और एक बार, बहुत ही खूबसूरत। सो चलते हैं धीरे धीरे। हम अभी जा रहे हैं कैंटीन में कुछ खाने के लिए।
तो और एक बात जो है मैं शेयर करूंगा आप लोग को, जो कि शायद किसी ने किया होगा इस पार्क के बारे में। तो पहले कुछ चाय वाय पी लेते हैं, फिर बातें करते हैं। फॉरेस्ट के अंदर में तो चामिन आ चुका है, देख सकते हो। तो पहले चामिन खाते हैं, फिर बात। सो ओके गाइस, कुछ खा लिया हम, जैसे कि चामिन खाया था और एक आमलेट। बस हम थोड़ा घूमेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इधर से और एक बार जाने के लिए। बस ये देख सकते हो मेरा ऊपर ट्री हाउस, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो हम ट्राई करेंगे इधर से जाने के लिए। तो उधर भी एक कपिल बैठा हुआ है, मेरे को देख कर क्या बताए। तो इसलिए हम उन लोग के लिए हम जंगल का रोड दे रहे हैं। जंगल का भी शिट, मेरे को तो पता नहीं था इधर भी एक ट्री हाउस है, क्योंकि ये वाला जो सीढ़ी है थोड़ा सा राउंड है। अच्छा लग गया। ओ शिट भाई साहब, देख के। ओ भाई साहब, वाह, सच में यार अच्छा लग रहा है। ऊपर भी है एक, ये थोड़ा सा ऊंचाई के ऊपर है। लुक एट दिस व्यू ब्रो, और एक बार ऊपर में। सो लुक एट दिस व्यू, अभी हम ठीक ऊपर आ चुके हैं। तो इधर से भी व्यू थोड़ा बढ़िया है। सो देख सकते हो इधर एक ब्रिज है, इधर एक ब्रिज है, इधर एक ब्रिज है, और इधर भी एक छोटा सा ब्रिज है, छोटा छोटा काट का ब्रिज। इस पार्क के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, अगर कोई नहीं है इसलिए बता दे रहा हूँ, अगर कोई देखेगा तो मेरे को मारेगा भाई। एक्चुअली इस पार्क में फैमिली तो मैं दिखा ही नहीं, क्योंकि फैमिली लेके भी आ सकते हो ऐसा कुछ मैंने बोला। तो भाई साहब समझ चुके हो आप लोग शायद, अभी मत आओ, कुछ दिन जाने दो। तो ये जो कपिल लोग घूम रहे हैं ना, इस लोग को थोड़ा घूमने दो, और जनवरी फरवरी मार्च का महीना में आ जाओ, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च का महीना में शायद इधर भीड़ हो जाएगा। तो ऐसा कपिल नहीं घूम सकते, और कुछ काम भी चल रहा है इधर नीचे, और भी बढ़िया करने का कोशिश कर रहे हैं। और जो मेरा टिकट का जो एंट्री मिला वो दिया 20 रुपये मेरा, और मेरा शेर खान के लिए 10 रुपया। लेकिन फैमिली लेके अभी एकदम से नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता ना तो भाई टाइम स्पेंड करने का जगह बहुत सही था। अभी तो मेरे को डर भी लग रहा है, लेकिन बहुत सारा कपिल एक साथ ना हो जाए यार, मेरे को मार ना दे। हम निकल जाएंगे। छोटा छोटा बैठने के लिए जगह भी बनाया। कुल मिला के एक बात, मेरे को ये पार्क घूमने में बहुत मज़ा भी आया और बहुत बुरा भी लगा, क्योंकि ये जो पार्क है बहुत ही अच्छा है। नेचर के साथ आप इंजॉय कर सकते हो शाम के टाइम और सुबह के टाइम। अंकल ने बोला बहुत तरह तरह का पक्षी आते हैं, बैठता है, कुछ साउंड भी आता है पक्षी का। तो वो दो तीन चीज़ मेरे को अच्छा लगा। कपिल बहुत है इसलिए इस चीज़ का बुरा लगा कि आप फैमिली लेके नहीं आ सकते हो, तो इस चीज़ का थोड़ा सा बुरा लगा। बाकी बात बहुत ही सही था। अभी मैं पार्किंग में जाऊंगा, मेरा गाड़ी लूंगा, उधर मेरा हेलमेट, मेरा टैंक बैग, तो उधर मैं जाऊंगा लूंगा, और वीडियो को एंड ट्री गार्डन में, जो मेरे को बहुत ही सही लगा ट्री गार्डन। सो वीडियो को एंड बाहर में करते हैं, पूरा इको पार्क को करते हैं। बाय 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 इको पार्क। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि इको पार्क में फैमिली लेके अभी मत आओ, जनवरी फरवरी मंथ में आओ, क्योंकि उस टाइम बहुत फैमिली आते हैं। तो बिंदास ऐसा कपिल ना नहीं घूमेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि ये जो बातें हैं इको पार्क के बारे में
ये बातें सबको पता चलना चाहिए कि इको पार्क में फैमिली लेके अभी जाना ठीक नहीं होगा। सो गाइस, वीडियो को कैसा लगेगा, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर एक बार लाइक कर देना, और वीडियो को दिल से अगर अच्छा लगा ना, दिल से तो गाइस चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कर देना क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और वो भैया देख रहे हो कैसे देख रहे हैं मेरे को ब्लॉगिंग करते टाइम, सो वीडियो को करते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, एट्स एवरीडम, सी यू द नेक्स्ट ब्लॉग, एंड तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। सो बाय बाय। I don't wanna say anything, 'cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and I